हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, अगर एक न्यू पैन कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जो भी हम आपको स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए, 100% आप जो है अपना जो पैन कार्ड है 72 घंटे के अंदर अंदर आप मेल पर रिसीव कर सकते हैं, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपको रिसीव टाकिया के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, ऑनलाइन सर्विस एजेंसियल डॉट कॉम। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ पर अगर न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप में अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो 49A फिल करना है, और यहाँ पे कंट्री पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी आपकी टाइटल है सर श्रीमती, आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सर मेंशन कर लेता हूँ। मेल कैंडिडेट होंगे तो सर मेंशन करेंगे, और अगर कैंडिडेट जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी शादी हो चुकी है तो SMT पर क्लिक करेंगे, अगर लेडीज़ हैं शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे कुमारी पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, इसमें फर्स्ट नेम लिखेंगे और इसमें मिडिल नेम, और इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, आपको यहाँ पर बताया गया आधार कार्ड वाला नंबर भी फिल कर सकते हैं, या आपके पास जो नंबर लिंक अगर जो आपके पास नंबर रहता है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आधार कार्ड से नंबर लिंक होना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जिससे कि बाई पोस्ट जब डाकिया के अकॉर्डिंग आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कॉल करके आपको सेंड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि आपका जो भी पैन कार्ड है मोबाइल नंबर से उसी से अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, और यहाँ बताया जाता है कि ये मेल आईडी पर भी आपको टोकन नंबर सेंड कर दिया गया है। अब आपको फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ बताया जाता है कि जो टोकन नंबर 30 दिन के अंदर अंदर यह वैलिड होता है, इसके अंदर ही आपको पैन कार्ड अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको पूछा जाता है अब किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप पहले वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पेपरलेस के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फोटो और साइन अपलोड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सबमिट स्कैनिंग थ्रो ई साइनिंग, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या फोटो साइन है इसको अपलोड करना पड़ेगा इसमें, और इसमें पहले वाले में अपलोड नहीं करना पड़ेगा लेकिन इसमें केवल अपलोड करना पड़ेगा। तीसरे वाले पॉइंट फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है, जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका जो दो फोटो और साइन अटैच करके आपको फॉरवर्ड करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको फिल कर लेना है, इसमें आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है आप नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी पैन कार्ड प्रिंट होके आने वाला है उसको नाम को आप देख लीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप एक बार मैच करा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको जो पॉइंट आपको बता रहे वही पॉइंट आप क्लिक करके करिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फादर का लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, किसी व्यक्ति के पिता का केवल सिंगल नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम में लिख करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है, अगर आपके कोई सोर्स इनकम नहीं है तो आप नो इनकम पे सेलेक्ट करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग आपका कोई सोर्स इनकम है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेसिडेंट कम्युनिकेशन एड्रेस में आप पैन कार्ड अपना कहाँ मंगवाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको रेसिडेंट का कंप्लीट एड्रेस फिल करना पड़ेगा, और ऑफिस पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑफिस के साथ साथ रेसिडेंट के साथ साथ ऑफिस का भी एड्रेस आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, चलिए मैं रेसिडेंट पे मंगवाना चाहता हूँ, रेसिडेंट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे रूम या फ्लैट नंबर आपका है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे 00 मेंशन कर सकते हैं। नेम परमिस या बिल्डिंग या विलेज नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे विलेज नेम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो विलेज नेम है हमने मेंशन कर लिया। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पोस्ट क्या आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका पोस्ट है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमने चलिए पोस्ट मेंशन करेंगे, कुछ कैंडिडेट का क्या होता है विलेज एंड पोस्ट एक होता है, तो इसमें आपको VILL लिख करके विलेज लिख देना है और POS लिख के आपको पोस्ट लिखना है, क्योंकि कभी कभी होता है आपका नाम बड़ा हो जाता है तो आता नहीं, तो आपको शॉर्टकट में P लिख करके आप आगे बढ़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एरिया लोकेलिटी तुर्क सब डिविजन इसमें मेंशन कर लेना है, चलिए हम हमारा यहाँ पे एरिया लिख देते हैं।
एरिया लिख देते हैं हम अपना, मुबारकपुर है तो मुबारकपुर आपको लिख देना है। चलिए जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग तहसील थाना जो भी आपके आधार कार्ड में दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसके बाद टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन कर लेना। चलिए हम टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट इसमें से कोई एक भी मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कंट्री है कंट्री का नाम मेंशन कर लेंगे, उसके बाद स्टेट का नाम मेंशन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एओ कोड ऑटोमेटिकली फैच होगा। अगर एओ कोड आपका फैच नहीं होगा तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, एरिया का नेम सेव कर लेना है। उसके बाद आप फैच पे जैसे डिटेल क्लिक करेंगे आपका डिटेल फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट में आप जो प्रूफ आप आईडी लगती है वो उसमें क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। चलिए हम आधार कार्ड से लेकर के आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं। प्रूफ आप एड्रेस में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं टाइप करके हम सेलेक्ट करेंगे। तो एड्रेस हम क्लिक कर सके। फिर उसके बाद डीओबी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नाम शो होगा और आपको हिमसेल पे क्लिक करना है। हिमसेल पे जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे कभी कभी नाम शो हो जाता है, नहीं शो होता है तो आपको हिमसेल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली नाम आपका शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फॉर्म कहाँ से फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे अपना जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस आप लिख सकते हैं। चलिए हम आजमगढ़ लिख देते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको फोटो की क्राइटेरिया बताया गया 50 KB के अंदर 200 DPI के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेना है। इसी तरीके से साइन को बताया गया है 200 DPI के अंदर आपको 50 KB के अंदर आपको साइन भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड का है आधार कार्ड को 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लेना। चलिए हम अपलोड करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हम इस पे जैसे प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे आप जहाँ पर भी फोटो रखे हुए हैं फोटो को आप पिक कर लीजिए। फोटो देखिए हमारा पिक हो चुका है और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर प्रॉपरली 50 KB के अंदर होगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से हमें क्या करना है प्लस पे क्लिक करके साइन भी अपलोड कर लेना। चलिए हम साइन भी अपलोड कर लेते हैं। ये भी 50 KB के अंदर मांगा है, 50 KB के अंदर हमने अपलोड कर लिया। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट मांगा है 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में मांगा है। चलिए हम PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लेते हैं आधार कार्ड को। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइनली इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डिटेल्स अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है सबमिटेड हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 1st 8 डिजिट आपको फिल कर लेना है और अपने डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाता है, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। चलिए ऑनलाइन पेमेंट फील डेस्क के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल आपके इसमें लगने वाले हैं 107 रुपये लगभग लगेंगे। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन आता है। पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं QR पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भीम UPI पे क्लिक करके मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एक QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें, कभी कभी जब भी आप पेमेंट करिएगा तो उसको क्या करना है कि ये नहीं कि जैसे आप कंप्लीट किए उसके बाद आप रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि जब भी आप पेमेंट करें हीटिंग ना करें, ना तो रिफ्रेश करना है ना तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पर आपको 1 मिनट का वेट कर लेना है जिससे कि आपका प्रॉपरली फाइनली सबमिट हो सके। तो यहाँ पर अगर आपका पेमेंट बाय चांस किसी वजह से फेल हो जाता है तो आपको यहाँ पे टोकन नंबर लेकर के दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। तो टोकन नंबर आपके मेल आईडी पर भी सेंड की जाती है और ऊपर आपका यहाँ पर दिया भी होता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ टोकन नंबर कहाँ दिया होता है। उस टोकन नंबर डेट ऑफ बर्थ और ऐप को ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 1 मिनट का वेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा होता है वो टोकन नंबर, टोकन नंबर भी आपके मेल आईडी भेज दिया जाता है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का मैसेज आता है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फर्दर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे OTP जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। OTP जनरेट कर देंगे, आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, 6 अंक OTP डालेंगे और फाइनली आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
ओटीपी हमने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू विद इस साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अगेन आपको आधार नंबर फिल कर लेना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे अगेन आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर आप डाल देंगे, उसके बाद आपको यहां पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है। आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। ओटीपी देखिए आ चुकी है, ओटीपी हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ओटीपी डालेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने का तरीका बताया गया, DDMM4Y के अकॉर्डिंग आपको ओपन करने का तरीका है। तो यहाँ पे अगर आपका 1 जनवरी 2000 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 01/01/2000 आपको कंप्लीट फिल कर लेना है, तभी आप PDF ओपन होगा। उसके बाद जो भी आपकी रिसिप्ट होती आपके मेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाती है, जिससे कि आप कभी भी अपना स्टेटस कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। ये टोकन नंबर ये केवल 30 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। आपको एक अब एक्नोलेजमेंट नंबर मिला होता है, उस एक्नोलेजमेंट नंबर से ही आप जो है स्टेटस चेक करते हैं। जहाँ पर हम जल्दी दिखा देते हैं, यहाँ पे जो एक्नोलेजमेंट नंबर ऊपर आपका शो हो रहा है, यही एक्नोलेजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रैक करते हैं कि हमारा पैन कार्ड कहाँ पर है। तो इस तरीके से आसानी से किसी भी कैंडिडेट का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, केवल फ़ोटो और साइन और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करके। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।